कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। मुल्क में भी मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने पर कौम परेशान है। मईशत की तबाही कोरोना से भी बड़ा खतरा बनकर जाहिर हो रही है। शहबाज शरीफ का मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, कहते हैं सियासत और सियासी मफादात को इस वक्त तरजीह नहीं देनी। सियासी नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन हमने अपने असल हदफ पर नजर रखनी है। पार्टी इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के दिल का इंतहाई अहम और हसास ऑपरेशन होना है, उसकी तैयारियां मुकम्मल हैं और आइंदा हफ्ते ये ऑपरेशन मुतवक्के है। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक वज़ीरे आज़म मौजूदा सूरत हाल पर इंतहाई दुखी हैं कि कौम को सब्र आजमा हालात का सामना करना पड़ रहा है। कड़े वक्त में कौम और मुल्क की निगेबानी और मफादात के तहफ्फुज़ के लिए काविशें करें। कौम के एक खादिम, एक रजाकार के तौर पर अपना किरदार अदा करना है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, कीमती जानों को ज़िया हो रहा है, मईशत की तबाही कोरोना से भी बड़ा खतरा बनकर जाहिर हो रही है। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे पर कौम परेशान है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हमने सियासत और सियासी मफादात को इस वक्त तरजीह नहीं देनी। सियासी नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन हमने अपने असल हदफ पर नजर रखनी है। इस वक्त हमारा असल हदफ, असल मकसद अपनी कौम की बका की जंग है। उन्होंने मजीद कहा कि आज हमने आवाम के खादिम का किरदार अदा करना है, हमने बड़े भाई खैरकाह का किरदार भी अदा करना है। ये इज्तिमाई इम्तिहान है, इसमें इज्तिमाई तौर पर ही हम सुरखुरू हो सकते हैं।